देखिए जितने भी पंचायत सचिव हैं वो प्लांटेशन करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं। आइए सभी लोग से मुलाकात कराते हैं। अभी सब लोग बस में बैठे हुए हैं। देखिए अमित भाई हैं, कहाँ जा रहे हैं अमित भाई, बोलिए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पहाड़पुर जा रहे हैं। अच्छा पहाड़पुर चल रहेगा? पहाड़पुर चल रहे हैं, पहाड़ पे। चलिए तब तो बहुत अच्छा है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे? देखिए हमारे सभी पंचायत सचिव आज एक बार नजर आ जाएंगे न्यू शिवा होटल भोज के। आइए सर, कैसे हैं? काटिएगा नहीं किसी का, ग्रुप में भेजिएगा। मुकेश सर के साथ आज हम लोग जा रहे हैं प्लांटेशन करने। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज 8 बजे के टाइम से निकलने का और थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। देखिए जितने भी पंचायत सचिव हैं आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, बहुत से साथी जा भी रहे हैं। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज हम लोग यहाँ बोधगया में वृक्षारोपण में आ गए हैं। देखिए हमारे बहुत से साथी वृक्ष लेकर पौधे लेकर आ रहे हैं और कितने साथी लोग वृक्षारोपण करके जा भी रहे हैं। देखिए हमारे तिवारी जी को देखिए, सभी साथी हैं, कितने साथी आ भी रहे हैं और कितने साथी जा भी रहे हैं। बोलिए कुछ कुछ बोलिए। इधर भाई जी जा रहे हैं और आ रहे हैं, काम तो होता रहा है। हमारा सारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह वृक्षारोपण करके पृथ्वी को हरा भरा करने का एक प्रयास है। आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं और पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखें, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद। डिपार्ट बोध गया में प्लांटेशन करने के लिए आज पहाड़ियों पर आए हुए हैं और नव नियुक्त हम लोग पंचायत सचिव वादा करते हैं कुछ ही समय में, 1 साल 2 साल 5 साल में बिहार को पूरा पर्यावरण से हरा भरा भर देंगे और कार्बन न्यूट्रिशन की ओर हम लोग अपना बढ़ाएंगे और योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी नवनीत पंचायत सचिव पूरे दुनिया को ऑक्सीजन देने के लिए पौधा लगाने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके लिए पिपाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया और पेड़ लगाने में हम लोग सक्षम हुए। कहिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए क्या संदेश देना चाहिएगा आप और लोगों को? ऊपर और लोग यही
लोग नवनीत पंचायत सचिव विपाट की तरफ से पेड़ लगाने का मौका मिला है, इसके लिए विपाट को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छा काम है, सभी लोगों को करना चाहिए। इसका उम्र लगभग जो है ना 400 वर्ष होता है, और ये जो है ना हमेशा रात, मतलब दिन और रात दोनों में जो है ना ऑक्सीजन छोड़ता है। बोध गया ज्ञान के धरती पीपल के वृक्ष, वो भी सबसे बड़ा चीज़ है कि बोध गया पीपल के वृक्ष जो है ज्ञान की धरती है, समझ रहे हैं ना। इसी में बोध भगवान चापिए रहे आपको पता चला है, वीडियो बना रहे हैं। वास्तुशास्त्र का अध्ययन करने से पता चला है कि पीपल का वृक्ष बहुत लाभदायक होता है पर्यावरण एवं मानव जन के लिए। सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाला पौधा भी है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद ही जरूरी है। और विपाट के द्वारा तथा हमारे सभी सचिव भाइयों के द्वारा एक बेहतर कदम है पर्यावरण की रक्षा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भी पंचायत सचिव मिल करके विपाट को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का उनके तरफ से जो पर्यावरण को रक्षा करने का अभियान है जो चल रहा है वो निरंतर चलता रहे। हमारी तरफ से जितने भी पंचायत सचिव हैं उनको भी एक बार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके द्वारा लगाया गया एक एक वृक्ष लाखों लोगों और मानव जाति तथा पशु पक्षियों की जातियों की रक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और जीवन का आधार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग यहाँ पेड़ लगाने के लिए आए हैं पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से एक मुहिम के तहत, यानी जन जागरूकता फैलाने के लिए ये है कि सभी लोग पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य या हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यहाँ पर पेड़ लगाने का उद्देश्य है कि जब हम अपने पंचायत में जाएं तो हम अपने पंचायत को भी पूरा हरा भरा दिखाने की कोशिश करें और वहाँ पर भी भरपूर मात्रा में वृक्ष लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।